हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का दुख, आप लोगों की परेशानी जो है वो मैं समझ सकता हूं, इसलिए वीडियो में लेके आ रहा हूं। क्लास यहां पे मैं आपको सिर्फ एक पॉजिटिव वे पे लेके जाऊंगा। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना क्लास। अब मैं आपको कोई लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा, बस आप वीडियो देखना क्लास, और आपको देखना एंड तक। कहीं ना कहीं आपका जो एक एटीट्यूड नेगेटिव फॉर्मेशन हो गया है, जो जायज भी है होना इस सिचुएशन में, वो मैं आपके लिए चेंज करूंगा। तो बस एक रिक्वेस्ट है, आप एंड तक मेरी बात को समझना। मैं ये वीडियो दो पार्ट में कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहला पार्ट जो होगा, मैं बात करूंगा रियलिटी की, क्या है सिचुएशन, और आपके मन में जितने भी सवाल हैं अभी उन सबके आंसर्स में दूंगा। और दूसरी बात हम करेंगे स्ट्रेटेजी की। लेकिन ये वीडियो पूरा का पूरा पॉजिटिव, आपकी थिंकिंग को, जो भी नेगेटिव एटीट्यूड है आपका, उसको बदलने के लिए है। तो एंड तक देखना। सबसे पहली बात जो है, अभी जो है क्लास, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है कि 21 डेज का जो है वो कंप्लीटली लॉकडाउन है पूरी की पूरी इंडिया में। ये बात नई नहीं है, आप सबको पता है। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या है कि देखो, 14 अप्रैल तक समझ लो आपका लॉकडाउन है, तो 14 तारीख तक तो पेपर नहीं होगा। ये तो श्योर हो गया आपका कि सर 14 तारीख तक पेपर नहीं होगा। तो सवाल आप लोग पूछते हो क्लास इंस्टाग्राम पे मुझसे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हीं सबका आंसर दूंगा। आप फिर स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। तो प्लीज वीडियो जो है 10 से 15 मिनट की होगी, आप प्लीज अच्छे से उसको देखना और थोड़ा सा दिमाग लगाना। प्लीज अपने मन से जो भी नेगेटिविटी है, आप दुख परेशानी में हो, पूरी दुनिया दुख परेशानी में है, आप अकेले नहीं हो, तो अपने बारे में मत सोचो। हमेशा सेल्फिश बनना अच्छी बात नहीं है। तो 14 तारीख तक आपका पेपर नहीं होगा, तो यानी कि 14 तारीख तक आपके पास टाइम है। ये हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखते हैं कि सर 14 तारीख तक तो हमारा प्रिपरेशन करने के लिए अच्छा टाइम है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि 14 तारीख तक अनाउंसमेंट नहीं होगा। क्या पता अनाउंसमेंट 2 or 3 डेज के अंदर कर दे। सीबीएसई अनाउंसमेंट जब भी करती है, कोई एक इंसान की वजह से नहीं होता। एक इंसान आया और कुछ बोल के चला गया, पूरी की पूरी कमेटी बैठती है, टीम होती है, वो डिसीजन लेते हैं, उसके बाद अनाउंसमेंट होता है। इतनी जल्दी सीबीएसई कुछ भी नहीं बोल देगा, ताकि हर 2 दिन में सीबीएसई को अपना डिसीजन चेंज करना पड़े। तो सीबीएसई वेट कर रहा है, सिचुएशन देख रहा है, एमएचआरडी से डिसीजन लेगा, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई डेट अनाउंस होगी। ध्यान रखना, डेट जो है, अगर 14 तारीख तक लॉकडाउन है, क्या पता 17 को 20 अप्रैल को ही पेपर हो जाए। और मैं आपको बता दूं क्लास, आज से 2 साल पहले लगभग, जहां पे पेपर लीक हुआ, सबको पता है, उस टाइम भी 24 अप्रैल को पेपर हुआ था। तो ये कोई नई, और रिजल्ट भी टाइम पे आया था, सब कुछ टाइम पे चल रहा था, बस पेपर लेट हुआ था। तो आप लोग ऐसा परेशान मत हो कि सब कुछ लूट गया, सर कैसे होगा, मैं याद नहीं कर पा रहा। आपके सारे क्वेश्चन का आंसर वीडियो में है, पूरा एंड तक देखना। तो 24 तारीख तक जो है आपका पेपर हो सकता है कभी भी। लॉकडाउन 14 तारीख तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या पता 17 को, 18 को, 20 को, 24 को, 25 को, 28 को, 30 को, कभी भी आपका पेपर हो सकता है। तो पेपर तो होगा, ये तो फिक्स है। अगर आप फ्री में ना मार्क्स लेने की सोच रहे हो, तो क्लास ये ठीक भी नहीं है कि आप बिना मेहनत करे मार्क्स तो ले लोगे, लेकिन कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। अगर फ्री में ही मार्क्स ले लेके सोचो क्या होगा, फिर आप तो कुछ नॉलेज ही गेन नहीं कर पाओगे ना, फिर आप काम कैसे करके दोगे आगे कॉर्पोरेट को। तो यहाँ पे क्लास फ्री में मार्क्स मेरे को नहीं लगता कि इसमें मिलेंगे किसी को। तो जो जिसकी मेहनत है उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स मिलेगा, जितनी आपकी मेहनत है उस हिसाब से नंबर मिलेगा। तो ये पेपर का एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया मैंने। अगली बार एक मुसीबत और भी है कि सर हम सारा का सारा रिटेन नहीं कर पा रहे। कुछ लोग बोले सर हम भूल जाते हैं, अगर हमारा 2 दिन पेपर हो तो ही हमें याद होता है। तो आप भूल जाते, कोई बात नहीं, आप रिटेन नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट रीड तो कर सकते हो। आप यही तो कह रहे हो, एक बार डेट आ जाएगी तो फिर हमें याद रहने लगेगा। 2-4 दिन का वेट करो, तब तक अपने पूरे चैप्टर को पढ़ो। दिन भर आप घर पे करोगे क्या? दिन भर सोओगे तो भी दिक्कत है, दिन भर गेम खेलोगे तो भी प्रॉब्लम है, दिन भर आप क्या कर सकते हो? आप कम से कम प्लीज जो है डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई करो, चैप्टर को रीड करो, ठीक है। क्लास देखो, अब आपको लग रहा होगा सर रिटेन कैसे करें, क्या पता पेपर कल को कैंसिल हो जाए। कुछ यूट्यूबर्स ने बोल दिया पेपर कैंसिल हो जाएगा, पता नहीं किस बेसिस पे बोल दिया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो कैंसिल होने का कोई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, और आप खुद भी अपना दिमाग लगाओ यार, कैंसिल हो जाएगा तो नंबर कैसे देंगे सबको? कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगा, इवन आप भी सेटिस्फाई नहीं होगा। एवरेज मार्क्स देना भी गलत है, बार बार मैं बोल रहा हूं, पेपर तो होना चाहिए, बट टाइम आपको फालतू मिल रहा है, तो घाटा कुछ नहीं आपका, ठीक है। तो कैंसिल जो है पेपर वो नहीं होगा। तो अगर आपका पेपर कैंसिल नहीं है तो पेपर होगा, तो आप याद करो, थोड़ा बहुत रिटेन करो, लिख लिख के, या कोई ऑथर की किताब पढ़ लो, कोई इंटरेस्टिंग बुक पढ़ लो, कुछ भी अपना इंटरेस्टिंग काम कर लो, जहां से कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। कुछ मोटिवेशन वीडियोस देख लो, कुछ पॉजिटिविटी की वीडियोस देख लो, नेगेटिविटी ना फैलाओ, और ना क्लास आप नेगेटिव माइंड को अपने बात में, अपने दिमाग में रखो, समझ रहे हो बात को। तो रिटेन जो है करना क्लास इजी होगा। अभी आप अपनी किताब को रीड कर सकते हो क्लास, अपनी नॉलेज के लिए तो पढ़ो ना कम से कम।
आपको नॉलेज तो मिलेगी ना। मान लो पेपर यार, एक बात होता है, आप इतनी सारे चैप्टर्स पढ़ दोगे, हर चैप्टर का हर क्वेश्चन आता है पेपर में, नहीं ना, कुछ ना कुछ सिलेक्टिव आता है, किसी के चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, 50 टॉपिक पढ़ते हो, एक दो टॉपिक आता है उसमें से, तो ऐसा कुछ नहीं कि वो नॉलेज नहीं, वो कहीं ना कहीं आपको आगे कहीं ना कहीं क्लास काम देगा। और मैं आपको जितना भी कुछ पढ़ा रहा हूँ वो नए के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं करा रहा हूँ आपको, समझ रहे हो बात को। आज इवन हम चैप्टर नंबर 12 जो खत्म करेंगे, इसके साथ हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब आपका काम है उसको अच्छे से याद करना, समझ रहे हो बात को। अब देखो, अब मैं अपना क्लास थंबनेल की बात करूं तो मैंने बोला 80 out of 80 हर कोई लेके आ सकता है। ये मैंने क्यों बोला, क्लास हर कोई का मतलब ये नहीं कि जो नहीं भी पढ़ेगा वो लेके आएगा, सीधी सी बात है, आपको पढ़ना पड़ेगा तब आएगा 80 out of 80। और ये मैंने क्लास दो चीजों को समझते हुए कहा है, आप भी अग्री करोगे। सबसे पहली बात, ये पक्का है कि चेकिंग ईजी होगी, तो एक एक लाइन को चेक करना टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक लाइन चेक करें तो मार्क्स आपको मिलेंगे, हेडिंग अच्छी लिखते हो आप तो मार्क्स आपको, अच्छी राइटिंग में प्रेजेंटेशन सब चीज मैं बताऊंगा आपको, अगर आप फॉलो करते हो तो मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात क्या है, हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास 14 अप्रैल तक टाइम है, जो क्लास काफी टाइम है, लगभग 21 डेज का एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास, जो बिल्कुल एक्स्ट्रा है, वैसे 24 को पेपर हो जाना था आपका, एक्स्ट्रा टाइम है। तो इन एक्स्ट्रा टाइम में सोचो कितना सारा कुछ आप रिवीजन कर सकते हो, अगर आप पॉजिटिविटी लेते हो तो, नहीं तो 14 दिन बैठ के रोते रहो, सबके कमेंट में उल्टा सीधा लिखते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, उससे किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप वहां बैठ के कुछ भी करो, आपकी मर्जी है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हर काम करो। मैं नहीं कह रहा पूरे शिद्दत से पढ़ो, बट थोड़ा बहुत तो कम से कम पढ़ो ना, आधा घंटा एक घंटा कम से कम पढ़ो, समझ रहे हो बात को। अब देखो क्लास, यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जरा क्लास आप समझना, क्या नुकसान सिर्फ आपको हो रहा है मुझे बताओ, पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है, हर कोई, आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, आपके दोस्त, पूरा देश नहीं, पूरा का पूरा क्लास विश्व सफर कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास दो रास्ते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला रास्ता क्या है, हम लोग पॉजिटिव अप्रोच अपनाएं, हर चीज को एक पॉजिटिविटी ले, हर चीज में कहीं ना कहीं अपना फायदा सोचें, पॉजिटिव देखें हम लोग। और नेगेटिव अप्रोच का मतलब क्या है क्लास, सबको परेशान करें, उल्टा सीधा बोलते रहें, अरे ये हो गया, हाय हाय, छाती पीट पीट के रोते रहें, ये आपकी मर्जी है। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच अपनाते हो कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच स्ट्रांग बनाता है आपको, जैसे यार मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, 14 दिन एक्स्ट्रा मिले ना, मैं एक्स्ट्रा पढ़ूंगा 14 डेज तक, क्या हो गया इसमें, सबको नुकसान है, कौन सा मेरा ही धंधा बंद हुआ है, सब किसी का धंधा बंद चल रहा है, सब कुछ देश में लॉकडाउन चल रहा है, इवन बाहर देश में लोगों की जाने जा रही है, तो मैं स्ट्रांग रहूंगा, मैं अपने आपको सेफ रखूंगा, अपने आपको प्रोटेक्ट रखूंगा, घर में सेफ रखूंगा, अपने पेरेंट्स को, फैमिली के बारे में सोचूंगा और मेहनत करूंगा, ये स्ट्रांग एटीट्यूड है। और नेगेटिव सोचोगे तो वीक, अरे क्या होगा, कहीं मुझे कोरोना, देश में ये हो गया, देश में वो हो गया, और वो इंसान मर गया, पेपर लेट हो गया, सीबीएसई ने हमें बर्बाद कर दिया। यार सीबीएसई क्यों कर रहा है सब, उसी का तो नुकसान है, कितना नुकसान है सीबीएसई का, खुद सोचो, पेपर पोस्टपोन कर, दोबारा पेपर कंडक्ट कराना, टीचर को पैसे देना, कॉपी चेकिंग लेट, सीबीएसई तुमसे ज्यादा परेशान है भाई, 10 लाख बच्चों की जिंदगी का सवाल है। तो कहीं ना कहीं क्लास वीक आपको बनाएगा अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखते हो, तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको काम करने की वजह देगा कि मैं काम क्यों करूं, क्योंकि मैं स्ट्रांग हूं, मैं काम करूंगा। नेगेटिव आपको रेस्टलेस बनाएगा, आपको काम नहीं करने देगा, क्यों, आपको लगेगा सर पेपर कैंसिल हो जाएगा, मैं क्यों पढ़ूं, यार यार ये कोई बात थोड़ी, पेपर कैंसिल हो जाएगा तुम पढ़ो नहीं, यार तुम्हारा काम है पढ़ना, तो तुमको तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे पेपर हो चाहे ना हो, रिजल्ट हो चाहे ना हो, आपका काम है पढ़ना, आपको नॉलेज गेन करना है, तो नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। अगली बात क्या है, जो पॉजिटिव अप्रोच है क्लास, आपको काइंडनेस बनाएगा, दयालु बनाएगा, कहीं ना कहीं आप दूसरे बारे में सोच सकते हो कि अगर ये सरकार हमारे लिए इतना कर रही है, इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज है, इतनी बड़े बड़े गवर्नमेंट है, कितने आईएएस आईपीएस जो जिलाधिकारी है वो लोग लगे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग, इतने समझदार लोग, इवन सुप्रीम कोर्ट भी बंद है, हाई कोर्ट भी बंद है, इतना सब कुछ देश के अंदर चल रहा है, क्या वो लोग हमसे ज्यादा वो हैं क्लास, कम पढ़े लिखे हैं क्या, वो इतने पढ़े लिखे समझदार हैं, तो हमें उनकी बातों को, उनकी डिसीजन को, अपने जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी जो डिसीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें सिखाता है। इसमें क्या होगा सर, अपने बारे में सोचेंगे, अरे सर मेरा नुकसान हो गया, मेरा ये कैंसिल हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया, मेरा 10 दिन लेट हो गया, मैं भूल जाऊंगा चीजों को, यार अपने बारे में सोचने का समय नहीं है। आप तरक्की तभी करोगे लाइफ में, आगे तभी बढ़ोगे जब क्लास आप दूसरों के बारे में सोच पाओगे। द मोर यू गिव द मोर यू गेट, जितना ज्यादा दोगे क्लास आपको, उतना ही ज्यादा क्लास आपको कुदरत देगी। तो ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आप काइंडनेस बनो, दूसरों को ब्लेम जो है वो क्लास, नो ब्लेम टू अदर्स, कहीं ना कहीं क्लास पॉजिटिव अप्रोच में आप किसी को क्लास कोई ब्लेम नहीं करोगे, जबकि इसमें क्या करोगे आप, ब्लेम। नेगेटिव में क्या करते हो आप, कहीं ना कहीं क्लास ब्लेम करोगे दूसरे को, अरे भाई इसकी वजह से हो गया, मेरे अच्छे नंबर आते, सीबीएसई की वजह से हो गया, सरकार की वजह से, कोरोना की वजह से हो गया। और इसमें कहीं ना कहीं क्लास आप किसी को ब्लेम नहीं करते, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे किस किस तरीके से पॉजिटिविटी में रखना है। रोने धोने से, परेशान होने से, किसी को ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको बोलना है एग्जैक्टली, अगर आप अपनी बात रख सकते हो तो ट्विटर पर जाओ क्लास, टैग करके बोलो सबको।
अगर आप वाकई बोलने का दम रखते हो, इधर उधर क्लास इधर बातें फैलाने से कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज अपनी पढ़ाई करो, और अगर पॉजिटिव हो तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस फैलाओगे। अगर मैं यहाँ पे आपको नेगेटिव बातें करूंगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगर मैं पॉजिटिविटी रख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है सर, सही बोल रहे हैं। और आप सैडनेस फैलाओगे, दूसरों को भी परेशान करोगे अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड हुआ तो। अब आपको ये देखना है कि आपको पॉजिटिव अप्रोच अच्छा लग रहा है, नेगेटिव मर्जी आपकी है। मेजोरिटी पीपल नेगेटिव में जाएंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना क्लास जो नेगेटिव में जाते हैं, तो उनकी मर्जी जाने दो, कोई इशू नहीं, सबका अपना डिसीजन है। तो आप एक बात और ध्यान रखना कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है सफर कर रहा है, नॉट यू अलोन एंड मी, मैं और आप अकेले नहीं है क्लास। मैं आपके लिए फिर भी काम कर रहा हूं, मैं भी घर बैठ सकता हूं नॉर्मली, लेकिन मैं भी आपके लिए काम कर रहा हूं, डेली वीडियोस आपको अपडेट कर रहा हूं मैं। मेरी वीडियोस में आप देखा करो क्लास, मेरी वॉइस को और मेरे डेडिकेशन को। अगर आप थोड़े बहुत भी समझदार हो, क्लास 12 तक पढ़ाई करके आए हो, तो कहीं ना कहीं आप समझ जाओगे कितने डेडिकेशन से मैं आपको मेहनत से पढ़ाता हूं। एक एक चीजें मुझे भी अच्छा नहीं लगता था उस लैपटॉप के आगे खाली कमरे में बैठ के चिल्लाना, क्लास आप लोगों के लिए कर रहा हूं मैं, ताकि आपको वीडियो देखो समझ आए। ऑब्वियस है हम दोनों का फायदा है, ये नहीं कह रहा कि अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा क्लास, मुझे भी खुशी होती है आप लोग शेयर करते हो वीडियोस को, लाइक करते हो, ये सब मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन आप अपना फायदा देखो, किसी दूसरे का फायदा मत देखो। क्या आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रहा है, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं करा रहा आपको, सारी चीजें पढ़ा रहा हूं आपको, बस आपको बैठ के पढ़ना है। फ्री एजुकेशन मिल रही है क्लास, यहाँ पे हम लोग इतना चार्ज करते हैं बच्चों से, स्टिल यहाँ पे यूट्यूब में क्लास लाखों बच्चे जो है बैठे होते हैं क्लास, हजारों बच्चे क्लास वीडियोज को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको फायदा ही मिल रहा है। समझ रहे हो बात को? तो आप ये सोचो कि सर हमारे लिए क्या कर रहे हैं, रेदर देन सर अपने लिए क्या कर रहे हैं। मैं अपने लिए कर रहा हूं, पर मैं आपके लिए भी कर रहा हूं, ध्यान रखना। सरकार ने खुद 15,000 करोड़ का क्लास अलॉटमेंट किया है कल, ये 15,000 करोड़ का इतना बड़ा अमाउंट है सरकार के, ये नुकसान ही तो है, कहीं ना कहीं हमारे टैक्स के पैसों से ही जुड़ा होगा, सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है, लेकिन सरकार ने डिसीजन अच्छा लिया है, इतना बड़ा अमाउंट खर्च हुआ है, तो अल्टीमेटली सरकार का भी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो हमें समझना चाहिए, घर पर रहना चाहिए, बीमारी फैलती है बहुत ज्यादा, इसीलिए आपको समझाया जा रहा है कि घर पर रहो, अपनी पढ़ाई करो, पॉजिटिविटी रखो, हेल्थ पे आप जो है ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि क्लास हेल्थ जो है इस टाइम पे एजुकेशन से भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप अनहेल्दी रहोगे तो वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे। और आप प्लीज ध्यान रखो कि पॉजिटिव अप्रोच रखो, दूसरों को पॉजिटिविटी दो, नेगेटिविटी किसी को मत दो, यहां वहां की गलत शेयर जो है करना बंद करो। सिर्फ आप बोलो हम स्टूडेंट से, हमारा काम पढ़ना है। ध्यान रखना, आप कभी भी ये मत सोचो आगे क्या होने वाला है, सिर्फ अपने आज में जियो और मेहनत करो अच्छे से। मैं आप सब लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा यहां पे, अगर आप लोग मेरी बात मान सको, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट जो मुझे मानते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में एक ना एक पॉजिटिव लाइन जरूर हर कोई कोट करो, कहीं ना कहीं क्लास एक पॉजिटिव लाइन और नीचे प्लीज अपना नाम जरूर लिखना, मैं लाइव आके आप सबका शुक्रगुजार करूंगा और सबका नाम लूंगा यहाँ पे। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हर एक स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर करना चाहे मत करना, बट कॉमेंट सेक्शन में प्लीज एक बार अपना नाम और एक पॉजिटिव लाइन जो आप समझते हो कि यहाँ पे आप क्या पॉजिटिव कर सकते हो। देखो कितने रास्ते मिलेंगे, जब हजारों बच्चों का दिमाग लगेगा तो कितने सारे नए नए आइडिया आएंगे। एक बार बस अपनी पॉजिटिविटी बन जाए ना, एक बार ट्रैक आ जाए गाड़ी, आपकी गाड़ी ट्रैक से उतर चुकी है, आपको याद करने का बिल्कुल मन नहीं करता, आपको लगता है सर फ्री में नंबर सबको मिल जाएगा, मैं क्यों पढ़ूं, मुझे क्या पढ़ी है भाई, तुम घर पे करोगे क्या इसके बिना, सोचो न, कहीं कहीं कुछ जाना नहीं है। आप उन लोगों की सोचो जिनकी नौकरी चलेगी, जिनकी दुकानें बंद है, जो अपना काम ठेली वाले रेडी वाले पटरी वाले अपना काम नहीं कर सकते, कुछ लोग कोरोना की बीमारी से ग्रस्त है, किसी घर में डेथ हो, किसी की शादी है वो नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे, डेथ में फनरल में भी 20 लोगों से ज्यादा लोग नहीं जा पा रहे, तो सोचो इतना बड़ा दुख है उन लोगों के पास। क्या आपका दुख वाकई ही उनसे बड़ा है? आपका दुख क्या है? कुछ भी नहीं है, आपका पेपर सिर्फ थोड़ा सा डिले हो रहा है। यकीन मानो इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं सिग्नेचर करके कि आपका हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, स्टूडेंट्स के ऊपर एक भी बात नहीं आएगा। कारीगरों का नुकसान हो सकता है और कंपनी में फैक्ट्री ओनर्स का नुकसान हो सकता है, टीचर्स का नुकसान हो सकता है, बट एक बात है, स्टूडेंट लेवल पे जो बच्चे हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका 1% भी नुकसान नहीं होगा, इससे उनको फायदा ही होगा बट नुकसान नहीं होगा। तो क्यों हमारे देश की सरकार को ब्लेम कर रहे हो, क्यों सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हो? मजबूरी है, कल को हम सब खत्म हो जाएंगे ना, तो क्या करोगे? आप खुद सोचो। अभी आप लोगों को नहीं लग रहा ना, क्योंकि आप लोगों को ये चीज हुआ नहीं है, तो अगर आप में से किसी को हो जाएगा तो अपने आप ही समझ आ जाएगा क्या चीज है ये। पूरा का पूरा वर्ल्ड जो पागल नहीं है और आप सबसे टैलेंटेड नहीं हो, आपको अपने पेपर की पढ़िए, बड़े बड़े पेपर पोस्टपोन हो गए, सीबीएसई कुछ नहीं है, बड़े बड़े पेपर जो है क्लास वो सारे पोस्टपोन हो चुके हैं। तो हमें सिचुएशन को समझना चाहिए, देश के ऑनरेबल मिनिस्टर्स का, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं हमारे, उन सबका, प्राइम मिनिस्टर का रेस्पेक्ट करो कि क्या वो कह रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा एक पॉजिटिव कोट जरूर लिखेगा क्लास में, नाम लिख के मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा क्लास, और उनको थैंकफुल ग्रेटफुल करूंगा वीडियो लाइव में आके। आगे बात समझ, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको क्लास समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं, अब सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई है क्लास, जो पेपर डिले हो रहा है उससे आपका 1% लॉस नहीं होगा, इजी चेकिंग होगी। अब बार बार मुझसे मत पूछा करो डेट क्या आने वाला है, क्योंकि क्लास मैं आपको कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं बताना चाहता। जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, बस नोटिफिकेशन का इंतजार करना। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपका सारी तकलीफें सारी चीजें बताऊंगा, पूरी स्ट्रेटेजी मैं डेली बेसिस बना रहा हूं, काफी डायनामिक हो गया है सिचुएशन, कि कई सारे
सारे चेंजेस आते हैं, अभी कुछ नहीं पता, कल को क्या पता सिचुएशन ठीक हो जाए और जल्दी पेपर हो जाए, आपका सिचुएशन खराब हो जाए तो और डिले हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, समझ रहे हो बात को। तो प्लीज आप अपनी जो तैयारी जो है बरकरार रखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ। अच्छा, आपको मूड फ्रेश करने के लिए आपको क्लास में कुछ बुक सजेस्ट कर देता हूँ, एक बार वो बुक जरूर पढ़ना, मेरी लाइफ काफी चेंज हुई इन किताबों से, कोई प्रमोशन नहीं है क्लास, नॉर्मली अपने सजेशन से आप में से कोई भी क्लास एक बुक पढ़ना चाहो, एक बार बुक पढ़ना, यकीन मानो आपकी लाइफ, मैंने खुद की लाइफ को काफी चेंज किया है सिर्फ एक ही किताब से। तो यहाँ पे आप प्लीज एक बुक आते क्लास सिर्फ केरला साहब की है, यू कैन विन, आपने मे बी पढ़ी भी होगी या सुनी भी होगी क्लास, ये किताब आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, ऑथर है शिव खेड़ा। आप ऑनलाइन ये बुक को क्लास क्या कर सकते हो, किंडल से जो है ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो इसको ऑनलाइन, या इसकी वीडियोस देख सकते हो, यकीन मानो इसमें आपका एक पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है इसके अंदर, तो आप क्लास ये बुक पढ़ सकते हो या फिर अपनी वीडियोस देखो, यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं जो अच्छी अच्छी वीडियोस काम की चीजें बनाते हैं। देखो अच्छा सुनोगे, मोर गुड इनपुट मोर गुड आउटपुट, जितना इनपुट तुम्हारा गार्बेज इन गार्बेज आउट, गंदी चीजें दिमाग में लेते हो, और कुछ लोग तो पता नहीं कितनी नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनकी वो दिखाते हैं कि माँ बाप उन्हें क्या सिखाते हैं, उनकी परवरिश कैसी है ये वो सिखा देते हैं कहीं ना कहीं, वो दूसरों को उल्टा बोलते हैं लेकिन ध्यान वो भूल जाते हैं कि अपना ही वो दिमाग खराब कर रहे हैं, लोग उन्हें गाली देते होंगे इसलिए वो दूसरों को गाली देते हैं, कि जो अंदर जाएगा वही तो बाहर आएगा, पॉजिटिविटी अंदर जाएगी पॉजिटिविटी बाहर आएगी, कूड़ा कबाड़ा अंदर जाएगा तो कूड़ा कबाड़ा बाहर जाएगा, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो बोगे वही काटोगे, सिंपल सी बात है, तो उन्हें करने दो। लेकिन यार प्लीज आप लोग ज्यादा इधर उधर की वीडियोस को ना देखो, सिर्फ पॉजिटिव वीडियो देखो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, आपको अच्छा लगेगा, लाइफ बहुत बड़ी है, 12th के एग्जाम देने के बाद भी वैसे भी बहुत कुछ लाइफ में चेंज नहीं हो जाएगा, पढ़ना आगे भी पड़ेगा, तो ये लास्ट सिचुएशन नहीं है, तो बी पॉजिटिव, बी काम और स्टे एट होम और वर्क हार्ड, ज्यादा हार्ड वर्क करो, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, आपकी मर्जी है, उस हिसाब से नंबर आएंगे आपके, फ्री में किसी को नंबर नहीं मिलने वाले, दिमाग से ये चीज निकाल दो क्लास, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी कुछ ही बोले आपको, बोलना यार हमें फ्री में चाहिए भी नंबर, हम मेहनत करेंगे नंबर लाएंगे, 60 करेंगे 60 का आएगा, 80 करेंगे 80 का आएगा, 100 करेंगे 100 का आएगा, समझ रहे हो बात को। तो चलो क्लास, उम्मीद है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में एक पॉजिटिव लाइन हर किसी से रिक्वेस्ट जरूर देना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि स्ट्रेटजी हमारी कैसी रहने वाली है। पहली बात अगर करूँ, सारी वीडियोस जो है सारे चैप्टर की मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आराम से ढूंढ सकते हो, ठीक है। मैंने आपसे फिर भी कोई दिक्कत परेशान हो आप इंस्टाग्राम पे सीधा मुझसे बात कर सकते हो, सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस, ठीक है। मैं हर एक बच्चे का जो है रिप्लाई यहाँ पे दे रहा हूँ, सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस इंस्टाग्राम पे, मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई यहाँ पे देता हूँ क्लास, व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं हो पाता है तो मैं आपको रिप्लाई देता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप मुझसे जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस के नाम से, सेम आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सारे पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें तैयारी करनी है सिर्फ और हमें कुछ नहीं करना, जो नोटिफिकेशन आएगा मैं दूंगा, स्ट्रेटजी मैं बनाऊंगा, बस यू हैव टू गो, आपको फॉलो करना, डायरेक्शन रोड मैप मैं बना के दे रहा हूं आपको, सारे वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे, केस स्टडीज आपको मिल जाएंगे, अभी एमसीक्यू जो है वो चैप्टर 1-4 के अवेलेबल है, आप 1-4 याद करके केस स्टडी बना सकते हो, जो केस स्टडी सॉरी एमसीक्यूज और केस स्टडी जो है वो चैप्टर 1 और 10 का भी अवेलेबल है, कम से कम आप उतना जरूर देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिविटी मतलब सर वो नहीं है, अरे भाई जो है वो तो बड़ा उसमें पक्के बन गए क्या आप, जो मैंने वीडियो दी है क्या उसमें एक्सपर्ट बन गए आप, एक्सपर्ट बन गए तो मुझे मांगो अगले चैप्टर की, समझ रहे हो बात को। अब बस मुझे सिर्फ एक चैप्टर 11 है मार्केटिंग वो कराना है, धीरे धीरे मैं अच्छे से करा दूंगा, जहां तक कल तक मैं उस चैप्टर को पूरा फिनिश कर दूंगा, और कल से ही मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा हूं, और काम क्लास मेरा ये है मुझे कल से डेली एक चैप्टर की रिवीजन, चैप्टर तो मैंने पूरा पढ़ा दिया, रिवीजन एमसीक्यू केस स्टडी तीनों चीज करानी है, 80 out of 80 की तैयारी चल रही है, ध्यान रखना, अपॉर्चुनिटी लो, पॉजिटिविटी लो, यहां पे अब कैसा देखना है वो नजरिया आपका हुआ, किसी को पत्थर में भगवान दिखता है, किसी को भगवान में भी पत्थर दिखता है, तो डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर कि आपकी सोच कैसी है, समझ रहे हो बात को। कोई मंदिर में जाता है उसे पत्थर समझता है, कोई क्लास उस घर के पत्थर को भी भगवान समझ के पूजा करता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव लेते हो नेगेटिव लेते हो, नेगेटिव लेते हो अपने लिए लोगे, पॉजिटिव लोगे अपने लिए, अगर बस ये ध्यान रखना कि नेगेटिविटी लोगे नेगेटिविटी फैलाओगे, पॉजिटिविटी लोगे पॉजिटिविटी फैलाओगे, डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया। तो मैं काम करने वाला हूं डेली बेसिस पर, मैं टारगेट बना चुका हूं अपना कि डेली रिवीजन कराना, चार्ट्स दूंगा आपको, चार्ट के थ्रू चार्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हो, एमसीक्यूज और केस स्टडी हम बैठ के एक एमसीक्यू बनाएंगे, केस स्टडी बनाएंगे, और फिर हम करेंगे प्रैक्टिस पेपर इसके बाद, जहां तक हम 10 तारीख तक सारा खत्म कर दूंगा, 8 या 10 तारीख तक पूरा का पूरा, फिर हम 2-3 दिन आराम से प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, ये मेरा काम है, पहले मैंने अपना काम डिसाइड किया है, अब आपका काम क्या है। आज के अगर हम छोड़ दें तो आपके पास अभी भी 6 दिन है इस मंथ के, 6 दिन में डेली 2 चैप्टर रीड और लर्न, ध्यान रखना पढ़ो और याद करो, कुछ चैप्टर कर लिया होगा आपने उसको करने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं किया उसमें ज्यादा टाइम दो, किसी को अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, डिफिकल्ट चैप्टर ज्यादा टाइम, इजी चैप्टर कम टाइम, समझ रहे हो बात को। और 30 मार्क्स की तैयारी कैसे करवाऊंगा आपको, मैं उसको समझा दूंगा आपको पूरा, हमें 80 out of 80 तैयारी करनी है नॉलेज के लिए, यकीन मानो क्लास 12th का जो बिजनेस स्टडीज है वो आपको आगे इन फ्यूचर बहुत ही ज्यादा काम है, 11th का अकाउंट 12th की बीएसटी पूरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में काम आने वाला है, हमारे पास ग्रेजुएशन के बच्चे तक पढ़ते हैं, उनको हम यही सारी चीजें बताते हैं थोड़ा डीप जाके, जो आपको बहुत जितना आप सिलेबस के हिसाब से बता रहे हैं आपको उनको उनके सिलेबस के हिसाब से बताते हैं थोड़ा डीप जाके। तो आप ध्यान रखना डेली 2 चैप्टर 31 मार्च तक आप सबको
सबसे बात करूंगा मैं, और ये बोलूंगा कि सर चैप्टर पूरे परफेक्ट है, अच्छी तरह से हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लो क्लास, इंटरेस्टिंग लगेगा। डिक्शनरी डाउनलोड करो, कोई भी डिक्शनरी उठा के उसका क्लास आप उसमें से मीनिंग वगैरह देख के समझ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मुझे पूछो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। कॉल पे भी मैंने बच्चों को क्लास हेल्प किया है, जो बच्चे जानते हैं पढ़ रहे हैं क्लास उनको पता है। तो टाइम जो है आप अपने हिसाब से अलोकेट कर सकते हो। और पढ़ाई की बात करें तो डेली क्लास आपको 6 घंटे पढ़ने हैं, एटलीस्ट 6 आवर्स पढ़ना है, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर और 2 घंटा शाम या रात को। अब 6 घंटे कैसे अलोकेट करोगे आप पे छोड़ता हूं, बट आप 6 घंटे पढ़ना, आप म्यूजिक सुनो, आप इंटरेस्टिंग काम करो, वॉकिंग करो क्लास, ठीक है, दोस्तों से चैट करो, दोस्तों से बातें करो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छा खाओ, हेल्दी रहो, सारी चीजें करो, लेकिन 6 घंटा, 18 घंटे बाकी आपके, जो करना हो करो, बट 6 घंटा जो है प्लीज अच्छे से मेहनत करो डेली बेसिस पे। काम मिला है ना आपको करने के लिए, प्लीज करो, मेहनत करो, आप स्टूडेंट्स हो, आपका काम सिर्फ मेहनत करना है। और क्या करना है क्लास, अब जब 6 घंटे आप पढ़ के अपना काम खत्म करो, कल से ही ये हर एक चैप्टर वाइज वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा क्लास, उसका नाम होगा रिवीजन एमसीक्यू केस स्टडी। उस प्लेलिस्ट में हर किसी चैप्टर का रिवीजन होगा, एमसीक्यू होगा, केस स्टडी होगा, आप वहां पे जाके क्लास चेक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको हर एक चैप्टर रीड और लर्न दोनों होना चाहिए। रीड करोगे होल चैप्टर, लर्न करोगे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख क्या होगा अंदर का, उन लैंग्वेज में लिख सकते हो, ध्यान रखना। एक बार हम क्लास फिनिश कर लेंगे इन सारी चीजों को, फिर हम क्या करेंगे, केस स्टडीज बनाएंगे और प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करेंगे, आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है क्लास, इसे मैं प्रिंट निकाल के अपने घर के सामने चिपका दूंगा अपने काम के लिए, कि मुझे ये काम करना है, और डेली बेसिस पे सामने दिखता रहूंगा ताकि मेरा दिमाग डाइवर्ट ना हो। क्लास एक बात ध्यान रखना क्लास, सबने कहा है मन के हारे हार है मन के जीते जीत। अगर आप मन से अपने आप को जीत मान लेते हो तो जीत जाओगे, मन से हार के देखो क्लास, ये दोनों अप्रोच मैंने बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव आपकी मर्जी है क्लास, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा आपको फॉलो करना है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ध्यान रखना, जो बच्चे इस बात से मजे लेके बैठे हुए हो कि पेपर बहुत लेट होगा, अभी तो बहुत टाइम है, लास्ट में हम लोग कर लेंगे, या फिर पेपर कैंसिल हो जाएगा, हमें बराबर बराबर मार्क्स मिल जाएंगे, 1% सोचो अगर ऐसा नहीं हुआ तो लुटिया जो है वो डूब जाएगी आपकी, ध्यान रखना। तो प्लीज मेहनत करो, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं क्लास, आप भी काम करो अपने लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एक बार कमेंट सेक्शन में एक पॉजिटिव लाइन आपके नाम के साथ, फिर मैं आपका नाम अनाउंस करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास, टेक केयर।